एंड वेलकम टू शेंकीज गुड लाइफ। तो गाइस मैं आया हूँ अभी सरिस्का, जो कि दिल्ली से हार्डली 4-5 घंटे का रास्ता है और बहुत ही अमेजिंग जगह है। तो मैं अभी जहाँ रुका हूँ, इस रिजॉर्ट का नाम है सरिस्का ढाणी और ये मेरी गैलरी है और ये पीछे पूरा लॉन है बहुत बड़ा और बिल्कुल जस्ट इसके साथ ही जो टाइगर रिजर्व है उसकी जमीन। तो दिखाते हैं सरिस्का ढाणी, चलिए। तो ये है सरिस्का ढाणी रूम्स, इसके अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले लोकेशन बताता हूँ, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व का गेट यहाँ से एग्जैक्टली 2.5 किलोमीटर है, ठीक है। और उसी के पास बिल्कुल ये रिजॉर्ट बना हुआ है सरिस्का ढाणी। तो आइए इसके रूम चेकआउट करते हैं पहले। हमारा वैसे रूम जो है वो ये वाला है, पर अभी बहुत रात को सोए हैं यहीं पर तो काफ़ी मेस्ड अप है। तो मैं आपको एक रूम दिखाता हूँ जो अभी खाली है। तो ये है रूम, ये है इसका वॉशरूम, बहुत बड़ा वॉशरूम है। और यहाँ दे रखी है कबर्ड सामान सामान रखने के लिए। ये है डबल बेड, टीवी, और रूम इनके काफी नीट एंड क्लीन है एकदम। और ये हम आ जाते हैं सीधे गैलरी में और ये है पीछे का व्यू। तो ये लॉन भी मिलता है एक्चुअली इसके, ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, इस फर्स्ट फ्लोर पे 4 रूम्स हैं और नीचे की तरफ 2 रूम्स हैं और ये लॉन है यहाँ पे, वो भी रखा हुआ है अगर आग वाग लगानी हो, थोड़ी सेकनी हो क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ। गर्मियों के टाइम भी अच्छा मौसम रहता है। और ये जितना ये देख रहे हो आप, ये पहाड़ियाँ हैं, अभी धुंध है क्योंकि सर्दियों का टाइम है। और बिल्कुल ये मान लो ये पूरा सरिस्का फॉरेस्ट रिजर्व ही है, मतलब टाइगर की मर्ज़ी है, वो कभी यहाँ भी आ सकता है, सब कुछ टाइगर पे डिपेंड करता है। और ऐसा ही सेम रूम नीचे भी है, उसमें 2 डबल बेड लगे हुए हैं, एक डबल बेड इस कोने में, एक डबल बेड उस कोने में। और साइज़ का थोड़ा इक्का दुक्का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है पर फ़र्क है। एंड अभी दोनों रूम्स ऑक्यूपाइड हैं तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो पीछे की तरफ लेके चलते हैं लॉन की तरफ। तो भाई ये 4 रूम्स हैं इनके जो ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हैं, इतनी सी सीढ़ियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है। एंड पीछे की तरफ है लॉन, ये है पार्किंग, पार्किंग स्पेस काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 20 गाड़ियाँ तो खड़ी हो ही सकती हैं। और ये रहा लॉन जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था। और ये बिल्कुल पहाड़ियाँ हैं, अभी दिख नहीं रही कोहरे की वजह से, अदरवाइज और अच्छा व्यू आता। और 2 रूम इनके यहाँ पे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट कह लो या ग्राउंड फ्लोर जो भी, एक रूम ये एक रूम उसके साथ में, और उस साइड पे कैंटीन, मतलब कैंटीन क्या इनकी किचन जो है, रेस्टोरेंट कह सकते हो। तो वो है रेस्टोरेंट का और पीछे से कुछ इस तरह का व्यू है। और गाइस इतना बड़ा लॉन है ना, यहाँ क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, जो खेलना खेलो, बहुत ही अमेजिंग जगह। और इस एरिया में आप अपनी रात को पार्टी भी कर सकते हो, अगर आप नीचे रुके हो, ऊपर रुके हो तो गैलरी है ही आपके पास और रूम तो है ही खैर। और ये बिल्कुल पहाड़ है, बिल्कुल साथ में। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और कुछ भी पूछना हो इस रिज़ॉर्ट से रिलेटेड, कोई कुछ भी क्वारी हो, बुकिंग जो नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चलिए जी, मिलते हैं दूसरी जगह पे किसी और वीडियो पे।
तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग शेंकीज गुड लाइफ। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो भाई प्लीज़।